बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अभी मैं गुड मॉर्निंग इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स 8:30 AM नाउ एंड टुडेज व्लॉग विल बी ऑल अबाउट ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग मतलब आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम माई होम, दैट इज फ्रॉम माई होम टाउन, दैट इज टोंगला टू गुवाहाटी एंड देन फ्रॉम गुवाहाटी टू बैंगलोर. अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बैंगलोर जा रही हूँ, दैन इफ़ यू डोंट नो दैन लेट मी टेल यू कि आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन इन बैंगलोर, सो आई स्टडी देयर. तो लॉकडाउन की वजह से सिंस लास्ट अप्रैल आई वॉज इन होम, तो अभी वक्त है कि मैं वापस जाऊँ. सो टुडे इज 26th, आज मैं गुवाहाटी ट्रेवल करूँगी. गुवाहाटी में वी हैव एन अपार्टमेंट, तो उधर ही विल स्टे टुडे एंड देन कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही कल निकलेंगे बैंगलोर के लिए. सो दिस व्लॉग विल बी स्पेसिफिकली अबाउट ऑल अबाउट माई जर्नी, सो आई होप यू गाइज विल एंजॉय माई व्लॉग. सो देरी किस बात की, लेट्स गो. तो सारा पैकिंग हो गया है एंड नाउ आई एम सो क्लोज टू लीव माई हाउस. बहुत अजीब सा ही फील कर रही हूँ मैं. बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है. आफ्टर ऑल स्टेइंग इन होम फॉर 3 मंथ्स 3 and a half months, ऐसे छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता है. बट पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या अभी मैं जाऊंगी एंड बुरा लग रहा है लाइका पिकू मेरे पेट्स को छोड़ के जाने के लिए. आज रात तो मैं मम्मी पापा और भाई के साथ ही रहूंगी. ओके, मम्मी तो जा ही रही है बट भाई और मेरे पापा तो साथ ही रहेंगे आज रात को. लेकिन मेरे पेट्स को छोड़ के जाने के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट दैट्स फाइन, जाना तो होगा ही. তো ওলাই দিলো আমি ঘৰৰ পৰা আৰু বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মনটো. কই বাত নাই, এসে আনা জানা তো হতা ৰহেগা. উইল সি ইউ সুন আসাম, ভেৰি 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 সুন. पहुँचते आके सब कुछ साफ़ सफाई किया हमने, क्योंकि इधर कोई रहता नहीं है तो इट वॉज़ वेरी डर्टी. तो आके साफ सफाई किया, अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ एंड गेस व्हाट, आई एम गोइंग टू मीट टू वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइंड. वो लोग मुझे मिलने आएंगे. इग्नोर दैट नॉइज, उधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. तो आई मीट टू वेरी स्पेशल फ्रेंड्स टुडे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किससे मिलने वाली हूँ उनके पास. फाइनली हियर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना गर्मी है कि इतना अच्छा लग रहा है. उसका रिएक्शन देखो, ये गर्मी में इसे देखो. तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे मिलके, ये बोलो. तंदूरी चिकन. अभी मुझे मिले हैं इतने सारे गिफ्ट्स. बर्थडे कल था लेकिन आई गॉट माई गिफ्ट नाउ एंड अभी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी. ये मुझे धनश्री से मिला है, ये भी धनश्री से मिला है, तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी. अच्छा नहीं लगता, ब्लॉग में बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. और गिफ्ट, ये भी और गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है. It's a funny book.
हम लोग जल्दी सो। कल व्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि आई मेट माई फ्रेंड्स एंड इन्जॉय किया हमने थोड़ा बहुत एंड वी वेर वेरी मच टायर्ड, तो आई कुडंट एंड द व्लॉग यस्टरडे। बट अभी इट्स 8:30 सुबह एंड मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी अभी एंड आई डू फील बैड। व्लॉग में नहीं रोना है, आई डू फील बैड क्योंकि इतने दिन घर पे रहने के बाद इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू लीव फॉर अ प्लेस कि इतना दूर है एंड आई रियली मैंने अपने आप को कन्विंस किया है कि जाना तो पड़ेगा फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, तो बाकी सब मैं बाद में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। एयरपोर्ट पहुंच गए, हार्ट इज स्टिल हैवी, माँ साथ में है बट आई स्टिल मिस देता, गुनगुन एंड या माई पेट्स ऑब्वियसली। एंड वी आर डन विथ चेक इन, चेक इन हो गया, अभी वी आर मूविंग फॉर बोर्डिंग एंड हमारा गेट नंबर है 6, तो उसी तरफ जा रहे हैं एंड हियर इट इज़ गेट नंबर 6। जस्ट रीच्ड एयरपोर्ट एंड चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, बस अभी हम गेट के सामने बैठे हैं। इट्स 10, फ्लाइट इज़ एट 11, सो बोर्डिंग के लिए थोड़ा वक्त है, तो ऐसे बैठे हैं हम लोग। बूढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, आई मीन दैट्स वेरी ऑब्वियस, घर छोड़ने के बाद बूढ़ा लगना, अपने फैमिली को छोड़ना। मम्मी तो है मेरे पास लेकिन भाई पापा और मेरे बच्चे लाइका पीको, बच्चे मतलब मेरे पेट डॉग्स लाइका पिको, उन लोगों को छोड़ के जाना बुरा लगता है। लेकिन पापा ने मुझे एक बार बोला है, वो हमेशा बोलते हैं कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग अपने देश के लिए काम करते हैं, जैसे कि आर्मीज हो, डॉक्टर्स हो, या फिर ऐसे कितने सारे जॉब्स हैं जिनके लिए लोग अपने घर से दूर रहते हैं, लोगों को दूर रहना पड़ता है बहुत दिनों के लिए या फिर बहुत सालों के लिए, वो लोग दूर रहते हैं अपने घर से, अपने फैमिली से, बस अपने देश को रक्षा करने के लिए, वो लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं। तो उस हिसाब से तो तुम बस पढ़ाई करने जा रही हो, वही सब सोच के अपने आप को स्ट्रांग रखना, अच्छा काम करना, वही पापा बोलते हैं रोज़ एंड वही ज्ञान खुद लेके मैं जाने वाली हूँ, जा रही हूँ एंड आई होप बैंगलोर में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि जो भी हो मैं आई हैव बीन देयर फॉर 4 ईयर्स, बट जो भी हो अनजान शहर ही है तो अकेला फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो वही सब सोच के एक अच्छा एंड पॉजिटिव वाइब लेके आई एम अबाउट टू गो। आप सब लोग मुझे ब्लेस करते रहिए और प्लीज़ कीप शोइंग योर लव एंड वही अभी थोड़ा स्ट्रांग बन के जाना है। तो बोर्डिंग हो गोल या माँ मॉय एंड वी आर रेडी टू फ्लाई बाय होम।
बैंगलोर एंड बैंगलोर का छोटा सा आशियाना जहाँ पे हम रहते हैं आही पालू आही पाए देखिल घर तो खूब लेतरा होती जीत आम नासी जो तीन चार माह आम आही पाए माये पूरा साफा अभियान लगे गई से और द हाउस इज वेरी डर्टी सिंस वी वर नॉट हियर सिंस लास्ट थ्री ऑलमोस्ट फोर मंथ्स एंड आई कुडंट कंटिन्यू द व्लॉग आई एम रियली सॉरी आई वाज वेरी टायर्ड बहुत बेसि भगर लगिले आही पाए साफा कर मिली क्या अलग खाई बु गलो एंड उठीसो सॉरी कंटिन्यू करिब नोवारिलो व्लॉग तो याते मैं मोर व्लॉग तो आज शेष कर आशा करिछो आपोनालोके भाल पाइछे मोर एटु एकेबारे सिम्पल व्लॉग एटा आछिले आशा करिछो आपोनालोके भाल पाइछे मैं नतुन नतुन व्लॉग और डांस कवर्स लो आहिबोले चेष्टा करिम आपोनालोके मोक एनेदरे मरम देखुवाइ थाकिब आरु अहोमलै बहुत बेसि मनत परिछे बहुत बेसि जाम सोनकाले जाम आपनालोके मोक मरम देखुवाइ थाकिब आरु मोर अकाउन्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिबोलै नापाहरिब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब अकाउंट एंड जय आहोम बाय।